हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन सिंह। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं आप लोग के बीच में कि लिंग क्यों सिकुड़ जाता है, लिंग सिकुड़ने के कौन कौन से कारण है या लिंग टेढ़ा होने के कौन कौन से कारण है। दोस्तों चलिए मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि लिंग किन कारणों से सिकुड़ता है, मुख्य कौन कौन से कारण है। इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं आप लोग को मुख्य कारण बता दूं कौन कौन से मुख्य कारण है लिंग सिकुड़ने का, या तो लिंग छोटा या पतला होने का या लिंग टेढ़ा होने का। सबसे पहला कारण होता है ओवर मास्टरबेट या हैवी मास्टरबेट। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि कम उम्र में लोक लाज के कारण, जैसे युवावस्था होता है उससे पहले जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं, लड़के जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनका हार्मोन्स जो होता है बहुत तेज़ जो है फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेज़ जो है बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है बढ़ता है, उसी समय जो है दाढ़ी मूंछ आती है, उसी समय जो है इनके मन में बहुत सारी जो है जिज्ञासाएँ आती हैं, सेक्स संबंधी सोच आने लगती है, इस कारण जो है हस्तमैथुन करने लगते हैं या तो बहुत ज़्यादा कहीं इधर से उधर गलत काम करने लगते हैं। इस कारण से जो है उनके लिंग में कमजोरी आने लगती है, या तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पोर्न वीडियो देखते हैं, मोबाइल एंड्रॉयड सेट तो लेते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं और पोर्न वीडियो देख करके हस्तमैथुन करने लगते हैं या गलत काम करने लगते हैं, इसके कारण भी लिंग में कमजोरी होने लगती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे पहला कारण मैं बता दूं कि जो बच्चे एक दिन में तीन तीन चार चार बार जो है हस्तमैथुन कर देते हैं या तो ओवर मास्टरबेट या तो हैवी मास्टरबेट कर देते हैं, बहुत तेज़ कर देते हैं, बहुत ज़ोर लगा के कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लिंग की जो नसें होती हैं वे फ्रैक्चर हो जाती हैं, उसमें स्कार टिश्यू बन जाता है, उसमें जो है ब्लॉकेज होने लगते हैं, लिंग की जो पेनाइल नसें होती हैं वे नसों में जो है रुकावट होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ता है, जिसके कारण कड़ापन नहीं होता है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लिंग की नसें होती हैं उसमें स्कार टिश्यू बनने के कारण जो होता है ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ता है, इसके कारण जो होता है लिंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा लिंग जो है हमेशा इस तरह से छोटा रहता है, सिकुड़ा रहता है, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है या एक्साइटमेंट आता है या जोश आता है तो जो लिंग की नसें होती हैं उसमें का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है और जो पेनाइल नसें होती हैं वो फूल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण नसें मोटी हो जाती हैं, जिससे हमारा लिंग जो कड़ा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब नसें वही कमज़ोर हो जाती हैं या फ्रैक्चर हो जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वह लिंग जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है या छोटा होने लगता है या तो पतला होने लगता है। मुख्य होता है जब बिल्कुल नसों में आगे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ता है तो लिंगों में सुन्नपन भी होने लगता है और धीरे 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 सिकुड़ने लगता है। जिस अंग में, मैं बता दूं कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने होता है तो वहाँ का अंग जो है बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, कोई भी अंग हो या लूज हो जाता है, या तो काम नहीं करता है या तो सिकुड़ने लगता है, उसमें जान ही नहीं रहता है। और एक चीज़ बता दूं, सुन्नपन भी होने लगता है। जब लिंग की नसें फ्रैक्चर कर जाती हैं या तो कमज़ोर हो जाती हैं तो ऐसा होने लगता है कि लिंग जो है सिकुड़ने लगता है और छोटा और पतला भी हो जाता है। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहूँगा कि आप ज़्यादा हस्तमैथुन न करें। हस्तमैथुन करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार कर लें, 10 दिन पर एक बार कर लें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है तो, या तो हफ्ते में बहुत मैक्सिमम, अगर खान पान अगर आपका सही है, दिनचर्या सही है तो हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग में कमजोरी आती है, नसें जो होती है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, लिंग की नसें जो होती हैं फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कभी कभी तो पिरोनी डिजीज़ भी हो जाती है। पिरोनी डिजीज़ में होता क्या कि लिंग, जिस साइड की लिंग जो है नसें जो होती हैं टूट जाती हैं या फ्रैक्चर हो जाती हैं, उधर का जो है लिंग जो है मुड़ जाता है, बैंड कर जाता है, तो ये कई रूप ले लेता है, कई शेप ले लेता है, कभी तो बनाना शेप ले लेता है, कुछ और शेप ले लेता है, उसका मुंह पे जो है मोटा हो जाता है बिल्कुल, और जो है किनारे की तरफ जो है पतला हो जाता है, कभी कभी मुंह की तरफ जो है पतला हो जाता है, किनारे की तरफ मोटा हो जाता है, ये पिरोनी डिजीज़ का ही कारण होता है। जो लिंग की नसें जो है फ्रैक्चर हो जाती हैं, जिसमें टेढ़ापन हो जाता है, जिधर की नसें फ्रैक्चर होती हैं ऊपर की या साइड की, तो उधर को जो है लिंग के जो है टेढ़ापन हो जाता है। तो दोस्तों
हस्त मैथुन ओवर न करें, बहुत ज़्यादा न करें। और मैं बता दूं कि कुछ और कारण है लिंग के सिकुड़ने का। सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग की खान पान सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं लेते हैं और सेक्स बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इसके कारण जो होता है कि कमज़ोरी आ जाती है, फिजिकली कमज़ोरी, इसके कारण भी लिंग जो है सिकुड़ने लगता है। और नेक्स्ट जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारे शरीर का हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी कारण से, या तो किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण जो है बहुत ज़्यादा दवा चल गई हो, इसके कारण भी इम्बैलेंस हो सकता है, या तो जेनेटिक भी होता है इसके कारण भी होता है, या तो बहुत ज़्यादा सेक्स करने के कारण भी कभी कभी जो है दिनचर्या खाने पीने का सही नहीं है, सोने जगने का सही नहीं है, तब भी जो होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने लगता है, या तो आर्कटिस एक प्रकार की जो अंडकोशों की बीमारी होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण भी जो है लिंग में जो है कमजोरी आने लगती है। जब अंडकोश में इन्फेक्शन हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है घट जाता है, इसके कारण भी लिंग शिथिल होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों ये सब जो है कि मेन कारण है जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, या सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ओवर मास्टरबेट या बहुत ज़्यादा सेक्स करना, ये सब जो है मुख्य कारण होता है लिंग सिकुड़ने का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई रीज़न नहीं होता है। अगर बहुत कोई उल्टा सीधा बता रहा है तो गलत बताता है। आपको मैं यही सजेशन दूंगा, एक चीज़ और होता है कि जो मोबाइल एंड्रॉयड सेट लेते हैं हम, तो अपने पैंट के पॉकेट में ज़्यादा देर तक न रखें, क्योंकि जो पुरुषों में शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, काउंट गिरने लगता है, शुक्राणुओं की संख्या घटने लगती है। जो मोबाइल का रेडिएशन होता है बहुत खतरनाक होता है, इससे जो होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे शरीर का शुक्राणु होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, इसके कारण जो है समस्या बढ़ने लगती है। तो अपने पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में मोबाइल को ज़्यादा देर तक न रखें, क्योंकि ये भी एक नपुंसकता का कारण है जिससे शिथिलता आने लगती है। तो ये सब मुख्य कारण है जितना मैंने इस वीडियो में बताया, इसका फॉलो करें, बहुत ज़्यादा ओवर मास्टर बेट न करें, बहुत ज़्यादा हैवी सेक्स न करें। दे मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है, लिंग छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, या तो लिंग टेढ़ा हो गया है, तो मैं अपने यहाँ से इलाज करता हूँ और खुद मैं दवा बना करके कोरियर भी करता हूँ। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो मेरे क्लिनिक पे आकर के मिल सकता है। मेरी क्लिनिक सारनाथ वाराणसी में है। मेरा मोबाइल नंबर है 8299391146। एक दोस्तों फिर से याद कर लीजिए, 8299391146, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैं सारा मैसेज देता रहता हूँ। अगर किसी को समस्या हो तो कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन भी मैं पेशेंट देखता हूँ और ऑनलाइन मैं दवा भी भेज देता हूँ कुरियर के थ्रू। अगर किसी को ऐसी समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, या तो मेरे क्लिनिक पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।